بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، خطیب دل نشین، مقرر شیری بیان، وائز خوش الحان، شیر ربانی جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہوں۔ ان کی آمد سے قبل تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائیں، آگے آگے تشریف لے آئیں اور حضرت شیخ کا خطاب پوری توجہ کے ساتھ سنیے۔ خطیب دل نشین مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ كما تحب وترضى، رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو اور عزیز ساتھیو، اج دا عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام علاقہ بھر تو جس دے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نا اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا
अपने दरबार अंदर मकबूल व मंजूर फरमाए और जिस शौक दे नाल हर साल अहबाब जमात इस प्रोग्राम का इंतजाम व इहतमाम करते हैं, अल्लाह उन्हां दी इस कावश कोशिश और मेहनत नु शर्फ कबूलीयत नाल हमकिनार फरमाए और उस्तादुल असातज़ा उस्तादुल हुफ्फाज हजरत शेख हाफिज अब्दुल सतार हफिज़हुल्लाह अल्लाह इन्हां नु सेहत नाल लंबी जिंदगी नसीब फरमाए। मेरे जिम्मे जो नवान लगाया गया मैं इंशाअल्लाहुर्रहमान कोशिश करांगा कि बड़े इख्तिसार नाल कुछ बातें उस हवाले नाल तुहाडी खिदमत दे अंदर पेश कर सकां। इंसान दी जिंदगी इंतहाई मुख्तसर जिंदगी है। दुनिया के अंदर हर शै की गारंटी है। एक आदमी बाजार चो घड़ी खरीदन जांदा उहदे कोलों इहदा वारंटी कार्ड बनवांदा इन्ने साल इहदी गारंटी है। मोबाइल खरीददा ओदी गारंटी है। माइक्रोफोन खरीददा ओदी गारंटी है। स्पीकर खरीददा ओदी गारंटी है। इंसान दी अपनी जिंदगी दी एक सेकंड दी भी गारंटी नहीं। इंतहाई मुख्तसर जिंदगी दी इको बंद कर दो जी, इको बेस बंद करके सादा जरा इन चलाओ। इंतहाई मुख्तसर जिंदगी इंसान दी अल्लाह जुल जलाल वली कराम इंसान नू बड़े प्यार नाल मुहब्बत नाल समझांदे ने। तुसी वेंदे हो जिस तरह मां बाप अपनी औलाद नू कदी जरा सख्ती नाल समझांदे ने, कदी जरा नरमी नाल समझांदे ने। पहला प्यार नाल मुहब्बत नाल नरमी नाल काका बेटा पुत्र इम्तिहान दा वेला करीब आ गया, पेपर तेरे सिर ते आ गए ने, को पढ़िया कर, कोई मेहनत करिया कर या ना समझे फिर जरा सख्ती कर देने, हया कर, को अकल नो हाथ मार, इम्तिहान तेरे सिर ते आए ने, बिल्कुल करीब आए ने, और तू अपने आप बुरिया यारां दी सोबत अंदर उन्हां दियां मजलसां अंदर बह के रातां गुजार देना सख्ती नाल कदी नरमी नाल। अल्लाह जुल जलाल वली कराम अपने बंदियां नो दोनों तरीकियां नाल समझाया, प्यार नाल भी सख्ती नाल भी। जरा अल्लाह दे कुरान दे अल्फाज ते गौर फरमाना। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ए मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान नबुव्वत तो ऐलान फरमा दियो, इरशाद फरमा दियो। अल्लाह फरमांदे ने नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम। मेरे बंदियां नू दसो, मेरे बंदियां नू समझाओ मैं बड़ा ही मेहरबान हाँ, मैं बड़ा ही बख्शनहार हाँ, मैं बड़ा ही गफूर रहीम हाँ। एवे प्यार नाल मुहब्बत नाल ते नाल ही फरमाया अगर बंदा अकल ना करे, बंदा गल समझन दी कोशिश ना करे, फरमाया वा अन्ना अजाबी वल अजाबुल अली। Yeah.
पहला जरा प्यार नाल समझाया, फिर रब्बुल आलमीन ने जरा सख्ती फरमाई। अल्लाह जुल जलाल वली कराओ अपने बंदियां नु एडे प्यार एडी मोहब्बत नाल समझा रहे ने, किसे तरह ही बंदा समझ जाए। और ऐथे अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, एक तारा बालिन्ना से हिसाब हो, ओहो अंदाज, एक तारा बालिन्ना से हिसाब हो, वहुम फी गफलत मुअरिज़ून। हिसाब ते बंदिया तेरा सिर ते आ गया, लेकिन तू गफलत दी नींद सुता, आराम दी नींद सुता, तैनू पता ही नहीं के तू अल्लाह दे दरबार अंदर पेश होना, तैनू पता ही नहीं तू अहकमुल हाकिमीन दी अदालत दे अंदर पेश होना। केड़ा बंदा दुनिया दे अंदर जेड़ा आया ते उन्हें हमेशा ही रहना होवे, आया ते उन्हें सदा ही दुनिया ते रहना होवे। यार किन्नी कु देर असी जिंदगी गुजार सकने आ, ऐस वक्त जेड़ी उम्र साडिया आम 50 साल 60 साल 70 साल हद 80 साल, 80 साल तो बाद हुण जेड़े पिंड जाए वह भी ध्यान नाल पुछदे ने, हैरान हो गए तुसी अजे फिरदे ही हो, है 80 साल बाद लोग ही पुछ, आवाज ठीक कर यार रखो आवाज रहे, 80 साल बाद लोग पूछते ने हैरानगी ना, जनाब तुसी अजे जिंदा ही हो, यानी औसत उम्र 60 साल 70 साल हद 80 साल, किन्नी कु बंदा दुनिया दे अंदर गुजार सकदा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, एक तारा वाली नास हिसाब, ओ बंदे आ तेरा हिसाब ते बिल्कुल करीब आ गया, सिर से हिसाब पहुंचे, और तो नफर तो अल्लाह जलाल दी जात तो भी गाफिल, तू अल्लाह दे कुरान तो भी गाफिल, तू अपनी मौत तो भी गाफिल। यार केड़ा बंदा दुनिया दे अंदर जिन्हें हमेशा रहना होवे या हमेशा रहा होवे, अल्लाह जुल जलाल ने दुनिया दा निजाम ऐसा बना छड़िया, कायनात दा चक्कर लगा लो, हर शय अंदर तुहानू इख्तलाफ नजर आएगा, दुनिया दे अंदर कोई शोभा ऐसा नहीं, दूर ना जाओ, तुसी अरकान इस्लाम नू ले लो ते मजहबी जमातां दा मुताला कर लो, कोई ऐसा मसला मुसलमाना दे दरमियान नहीं रह गया जिदे अंदर लोगां ने इख्तलाफ ना कीता होए, नमाज अंदर इख्तलाफ, इख्तलाफ करन वाले रोजे अंदर इख्तलाफ कीता, इख्तलाफ करन वाले अरकान हज विच इख्तलाफ कीता, इख्तलाफ करने वाले ने सदका तो खैरात अंदर इसाले सवाब अंदर इख्तलाफ कीता, केड़ा मसला दुनिया ते रह गया जिदे अंदर इख्तलाफ ना होए। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, वाहिद मसला दुनिया ते ऐसा जिदे अंदर ना किसे बरेलवी नू इख्तलाफ है, ना किसे दियोबंदी नू इख्तलाफ है, ना किसे शिया नू इख्तलाफ है, ना किसे अहले हदीस इख्तलाफ है। मैं थोड़ा जा अगे जाना, मैं आना ना किसी हिंदू नु इख्तलाफ है, ना किसी सिख नु इख्तलाफ है, ना किसी बुद्ध मजहब नु इख्तलाफ है, मैं आना ना किसी ईसाई नु इख्तलाफ, ना किसी यहूदी नु इख्तलाफ, दुनिया का वाहिद मसला ऐसा जिदे अंदर किसी नु इख्तलाफ नहीं, और लफ्ज़े मौत है, मौत अंदर अज तक किसी नु इख्तलाफ नहीं होया, हत्ता के मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे माशरे दे अंदर, आप दे जमाने पाक दे अंदर, आप तशरीफ फरमाने आने वाला एक बदबख्त आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सामने खड़ा, पुरानी जई बुसीदा जई सुक्की सड़ी हड्डी लैके कायनात दे इमाम अलैहिस्सलाम दे सामने खड़ा, ते आंदा पता की है,
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी आंदे हो मर जाना ते मर के कबरां चो दोबारा उठाया जाना। मरन नाल ते सानू भी इख्तलाफ कोई नहीं, ए ते असी भी आने मर जाना है। जड़ी अगली गल कर दियो मरण दे बाद कबरां चो दोबारा उठाया जाना है, ऐ गल साडे मनन च नहीं आउंदी। ऐ पुरानी ते सुक्की सड़ी हड्डी इहनू तोड़दा पिया, नाले भोरदा पिया, नाले मरोड़दा पिया, ते नाल आंदा मैयो यल इजाम वाहे यरमी। कौन इन्हां सुकियां सड़ियां हड्डियां नू दोबारा जिंदगी अता फरमाएगा। हुण रब्बुल आलमीन ने ना कुरान पाक दे अंदर बड़ा प्यारा ऐलान फरमाया। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वज़ारा बालाना मसलम वना से या खलका, वज़ारा बालाना मसलम वना से या खलका। ए सानू मिसालां बना बना के सुनांदा पिया, मिसालां बना बना के पेश करदा पिया। वना से या खलका अपनी पैदाइश नू भोली गया है, इस बदबख्त नू पता ही नहीं असा इनू पैदा किवें फरमाया। और कुरान दा दूसरा मकाम अल्लाह फरमांदे ने हल अता अलल इंसान ही नू मिन दाहर लम यकुन शैयम मज़कूरा। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन अबतलीये फजअलनाहु समीअन बसीरा। और कुरान दा तीसरा मकाम अल्लाह फरमांदे ने वाला कद खलक नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फतन फी करारिम मकीन सुम्मा खलकना नुत्फत अलकतन फखलकना अलकत मुजगतन फखलकना मुजगत इजामन फकसौना इजाम लहमा सुम्मा अनशानाहु खलकन आखर फतबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। और एक साहबे दिल ने ना तर्जमा तेरी बोली च कीता, मिट्टी कोलों पानी बनयो। ओए बड़िया बड़िया लीडरां, ओ बड़िया बड़िया चौधरियां, बहुत बड़िया सरदारां, बड़िया बड़िया खतीबां, बहुत बड़िया मौलवियां, बहुत बड़िया शेखुल हदीस, ओ वेखते सही है की है रब दी जमीन ते आकड़ आकड़ के चलन वाले आ, ओ जालिमा अपनी वेखते सही हकीकत की है है की है ते बनिया की फिरदा मोढ़े थुका सुटदा पिया। बंदे नू बंदा ही नहीं समझदा, आकड़ ही नहीं संभाली जांदी। मैं पैर धरती ते मारा धरती कंब जांदी है। ऐ जी कल्ला ही सुहागा चुक लैंदा, ऐ कल्ला ही ढाई मन दी बोरी चुक लैंदा, ऐ खाल टप्पी जांदा, ते सारी उम्र तू इंज ही रहना नहीं। एक वेला आउणा ही कमर झुक जानी है, अखां वेखणो रह गईयां, कान सुनणो रह गया, लत्तां टुरणो रह गईयां, हाथ फड़णो रह गया। ओ कल तक जेड़ा सुहागा चुकी फिरदा सी, अज दियां लत्तां अपने जिस्म दा भार नहीं चुकदियां पईयां। कल तक जेड़ा खाल टपदा फिरदा से, अज वहणी ते खलो के आंदा, ओ काका मैनू जरा वहणी ते पड़ के पार करा दे। मुड़ शेर जवाना बुढ़ा हो, ऐ ही तेरी मेरी हकीकत। कमर झुक गई,
हाथ विच सोटी है लाठी है निके निके बाल मजाक कर दे बाबा आ तीर कमान किन्ने दी लई आ ते बाबे और हस के आंदे ने पुत्र थोड़ा जा इंतजार करो ए फ्री लब जांदी है थोड़ा जा इंतजार करो ए मुफ्तां विच ही लब जांदी है और सोनियो आकड़ां का दियां फखर का दे तकबर का दे मुड़ शेर जवाना बुढ़ा हो ना टोर सके बिन सोटी जो सीखे होए सब भुल गया तैनू जो सीखे होए सब भुल गया तैनू जो सीखे होए सब भुल गया तैनू तेरी गर्दन सुक गई मोटी दुनिया ते जाया कर लिया बंदिया रब उकबा करे ना खोटी अल्लाह जल जलाल फरमा रहे ने एक तारा बालिन्ना से हिसाब वहुम फे गफलत मोरजून हिसाब दा वेला बिल्कुल करीब आ गया और कमलिया गफलतां छाड़ दे अल्लाह तो दूरियां छाड़ दे मौत तेरे सिर ते मंडलां दिए वेर एते पता ही नहीं केड़ी जगह ते आ जानी है केड़े मोड़ ते आ जानी है ऐतो उठना नसीब होना के नहीं घर पहुंचना नसीब होना के नहीं और वो भी बड़ी दूर दी गल है जेड़ा साठ ठां गया आए पता नहीं ता आना भी नसीब होना के नहीं ये ते पता ही नहीं मौत दे आहनी पंजिया ने किथे आके दबोच लेना किथे मौत आनी है ते कदों आनी है और आइए कुरान दा एक और मकाम समात फरमाना अल्लाह जुल जलाल ने कुरान पाक दे अंदर ऐलान फरमाया फरमाया पांच चीजां ऐसिया ने जिन्ना दा अल्लाह तो इलावा कोई इलम नहीं जानदा छोड़िया केड़िया अल्लाह फरमांदे ने इन अल्लाह इंदहु इल्मुस्सा वायो नज़िलुल गैसा वायालमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुन माजा तक्सिबु गदान वमा तदरी नफ्सुन बे अय्ये अर्ज तमु पांच चीजां ऐसिया ने इन अल्लाह इंदहु इल्मुस्सार अल्लाह ही जान देने कयामत कदों आएगी रब तो इलावा किसे नू पता एक दिन हुजूर तशरीफ फरमाने जनाबे जिब्रीले अमीन तशरीफ ले आए इंसानी शक्ल हुजूर दे सामने बैठे दोसानू होके जिवे उस्ताद दे सामने शागिर्द बैंदा उस्तादां दा अदब करन दी कोशिश करिया करो अल्लाह तौफीक अता फरमा दे आमीन ते कह दियो करना कराना दे मर्जी नाले आमीन कहन च की हर जे अल्लाह तौफीक अता फरमा दे ठीक है असी अल्लाह दे फजल ना कुरान और सुन्नत दे पैरोकारां पाबंद पर कम अज कम कोई अदब अदाव कोई एक दूसरे दा बड़े छोटे दा लिहाज छोटे दे शफकत बड़े दा अदब बड़े दा एहतराम उलमाए किराम दा खतीब दा जमात दे आलमे दीन दा शेखुल हदीस कोई अदब अदाव भी नहीं असी बड़े खुश हाँ जी असी अल्लाह के फजल ना कुरान हदीस से पाबंद कुरान हदीस भी तो अदब अदाब का वल दसदा ही है ना अल्लाह सानू भी अदब की तौफीक अता फरमाए एक वाकया मैं मुनाज़र इस्लाम हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह उन्होंने बुजुर्गों दिया कबरां ते करोड़ा रहमत नाजल फरमाए हजरत मैं सुने हजरत हाफिज साहब किसी सफर सर ते किसी स्टेशन दी नमाज ते मस्जिद च आप वुजू फरमाया नमाज पढ़ी अजे को टाइम बाकी सी ते जिक्र अजकार करन लग पे ऐनक ला के हजरता ने सामने रख ली अगे एक बंदा नमाज पढ़ता सी पिया
ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਐਨਕ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਵਜਾ ਦੂਰ ਜਾ ਪਈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਫਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਾਨ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਨਕ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਫਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਦਿਓਬੰਦੀ? ਆਂਦਾ, ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆਫ਼ਤ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਰੇਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਚੁੱਕੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਐਨਕ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ? ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਈ ਕੀਤੇ, ਇਹਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕੀ ਮਾਨਾ? ਕਿ ਜਿਬਰੀਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਭੇਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਬਰੀਲ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਖਬਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਨੂੰ ਪਤਾ? ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਇੰਦਹੁ ਇਲਮੁ ਸਾਅ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਵਾਯੋ ਨਜ਼ਲੁਲ ਗੈਸਾ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ। ਵਾਯਾਲਮੁ ਮਾਫਿਲ ਅਰਹਾਮ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮੇ ਮਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਵਾ ਮਾ ਤਦਰੀ ਨਫਸੁਨ ਮਾਜ਼ਾ ਤਕਸਿਬੁ ਗਦਾਂ, ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਵਾ ਮਾ ਤਦਰੀ ਨਫਸੁਨ ਬੇਅਯੇ ਅਰਜ਼ਿਨ ਤਮੂ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਲਗਵਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਏਸੀ ਵੀ ਲੁਹਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਲਗਵਾ ਲਿਆ, ਏਸੀ ਲਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਮਲਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਫਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਮਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁੱਲੁ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ ਵਇਨਮਾ ਤੁਵਫਾਉਨਾ ਅਜੂਰਾ ਯੌਮਲ ਕਿਆਮਾ ਫਮਨ ਜ਼ੁਹਜ਼ਿਹਾ ਅਨਿਨਾਰ ਵਉਦਖਿਲਲ ਜੰਨਤ ਫਕਦ ਫਾਜ ਵਮਲ ਹਯਾਤੁ ਦੁਨੀਆ ਇਲਾ ਮਤਾਉਲ ਗੁਰੂਰ। ਅੱਲਾਹ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚਖਣਾ, ਹਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜੀ ਨੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਚਖਣਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ? ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬੇ ਦਿਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਲ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਕੁੱਲੁ ਨਫਸਿਨ ਸ਼ਾਰਬੁਹਾ, ਅਲ
الموت قدهن كل نفس شاربها والقبر باب كل نفس داخلها बंदिया मौत ऐसा प्याला जेड़ा हर एक ने पी के रहना ते कबर एक ऐसा दरवाजा जिदे विचो हर एक ने लंग के रहना। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने कुल्लो नफ्सिन जाएकातुल मौत। यार का दिया आकड़ा लई फिरने यार का दे फखर लई फिरने यार अपना भरोसा नहीं हो तेरा घड़ी पलदा अपना भरोसा नहीं हो तेरा घड़ी पलदा मान दस करना वाला केड़ी गल तेरिया ते सावा भी नहीं ओ गाफला तेरिया ते सावा भी नहीं बंदे आए तेरिया तेरिया ते सावां भी नहीं बंदे आए तेरिया मौत रोज घर तेरे मार दिए फेरिया। ते गल सुन ला कल्ला इथे आया ते कल्ला इथों जाना ई कल्ला इथे आया ते कल्ला इथों जाना ई धिया पुत्तां दोस्तां नहीं कम तेरे आना ई जिन्ना लई तू दिने राती जिन्ना लई तू दिने राती करे हेरा फेरिया जिन्ना लई तो दिने राती करे हेरा फेरिया मौत रोज घर तेरे मार दिए फेरिया। ते वेखते सही तेरी मेरी हकीकत ते हैसियत की फरमांदे ने उड़ जाना पंछी जेड़ा तेरे विच बोलदा आज लखां विच बह के वाजां करन वाला लखां दे मजमियां नूं खिताब फरमाने वाला मौत आ गई है आज सामने पे है यार बेली वेके आंसू बहा रहे ने सामने पे है लोग तारीफां कर देने वे सामने पे है सामने मां बैठी है सामने बाप बैठा है चार चुफेरे भरा खड़े ने रिश्तेदार ते अजीजो अकारब खड़े ने ए तरले पे लेंदे ने पर एदी जबान विच बोलन दी कुवत नहीं रह गए। ओए सोनिया गौर ते करना उड़ जान पैंची जेड़ा तेरे विच बोलदा कौड़ी भी नी मुल रहना ऐ बाकी खाली खोलदा ओए कौड़ी भी नी मुल रहना बाकी खाली खोलदार ओए खत्म कर जाना तैनू मौत दिया हनेरिया मौत रोज घर तेरे मार दिए फेरिया। रहमान दा फैसला कुल्लो नफ्स जाएकातुल मौत फरमाया हर जी ने एक वेला आना मौत दा जायका चखना ही चखना मौत दा प्याला पीना ही पीना। यार मेरी तेरी ते गल ही कोई नहीं इत्थे बड़े बड़े नेक आए बड़े बड़े मुत्तकी आए बड़े बड़े परहेजगार आए बड़े बड़े उलमा आए अतकिया भी आए सुलहा भी आए फुजला भी आए मैं आना सहाबा तशरीफ ले आए अंबिया अलैहिम सलाम दुनिया ते तशरीफ ले आए एक वेला आया वापस अपने अल्लाह दे हां तशरीफ लै गया अपने मालिक नाल मुलाकातां वास्ते तशरीफ लै गया सदा नहीं इत्थे किसे बैठ रहना। और आज जरा गौर ते करना मौत ऐसी अटल हकीकत है
मैं कहा करना वा मौत ऐसी अटल हकीकत है, मौत किसे दिया लोड़ा नहीं वेंदे, मौत किसे दिया थोड़ा नहीं वेंदे, मौत किसे दिया मजबूरियां नहीं वेंदे, मौत नहीं वेंदी एना निकिया निकिया बच्चिया नो अजे अबू दिया बड़िया लोड़ा ने, मौत नहीं वेंदी ऐस बुढ़े बाप नो अजे जवान बेटे दिया बड़िया लोड़ा ने, मौत नहीं वेंदी ऐस मासूम बच्चे दी खातर एदी मां ने किन्नियां तकलीफां उठाईया ने। एक दोस्त ने गल सुनाई कह लगा एक घर दे अंदर अल्लाह जल जलाल ने 15 साल बाद औलाद दी उम्मीद लगाए, उलमा कोलो दुआवां, खुतबा कोलो दुआवां, तलबा कोलो दुआवां, 15 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी उम्मीद लगाए, फिर अल्लाह दियां मर्जियां बेटा पैदा होया ते मां नूं वेखना भी नसीब नहीं होया, बेटा दुनिया ते आया ते मां दुनिया तो रुखसत कर गई है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है, मौत किसे दिया मजबूरियां नहीं वेंदे, मौत किसे दिया है जनाब जरूरता नहीं वेंदे, मौत दे आहनी पंजे बंदे दे करीब करीब आ गया ने, एंज चार भाई ते लेटे आए, चार चुफेरे रिश्तेदार बैठे ने, अजीजो घर बैठे ने, मां सराने बैठी है अखा चो आंसू बहा रही है, आंदी है मेरे बेटे अजे ते मैं तेरे चा भी पूरे नहीं कर सके, मेरा लाल अजे ते मैं तैनू जवानियां चढ़दियां भी नहीं वेख सके, मैं किन्ने अपने दिल दे अंदर प्रोग्राम बनाए, यार मामा अल्लाह ने मामा दे दिल बड़े अजीब बनाए ने, बाप दा दिल अल्लाह ने औलादा वास्ते कितना प्यारा ते नरम बनाया, मां बाप बच्चा पैदा हुंदा ते उम्मीदा लगा के बह जांदे ने, साडा बेटा जवान होएगा असी वडेरे हो जावांगे, असी कमजोर होवांगे बेटा साडा ताकतवर होएगा, जवान हो जाएगा साडियां खिदमतां करेगा, साडी इज्जत ते एहतराम दा जरिया बनेगा, पर मर्जियां ते रब दियां चलदियां ने ना, ओनू कौन आखे अल्लाह तू इंज नहीं ते इंज क्यों कीता है, हां में दुनिया ते एवे ना जवान बेटियां दे कंधियां ते अम्मी दा जनाजा जा रहा, रस्म दुनिया ते एवे जवान बेटियां दे कंधियां ते अबू दा जनाजा जा रहा, पर ओ बाप कैसी अजीब उन्हां दी जिंदगी है जिस बुढ़े बाप दे कंधियां ते जवान बेटे दा जनाजा जा रहा होए, आउंदियां सोनेओ तकसीम मेरे मालिक दे आउंदियां ते तरतीब है वे, ऐ फलाना वड्डा भरा है, ऐ ओहदे तो छोटा भाई है, ऐ ओहदे तो छोटी भैन है, ऐ ओहदे तो छोटा भरा, आउण दी ते तरतीब है वे, जाण दी तरतीब कोई नहीं, असां वेख्या बुढ़ा बाप अड्डियां रगड़दा हस्पताल च फिरदा है ते जवान बेटा अपने बुढ़े बाप दियां अखां दे सामने दुनिया तो रुखसत हो जांदा, जवान बेटे दा जनाजा उठे आए, यार बेटियां दे जनाजे मापियां दुआ करिया कर किसे बुढ़े बाप नूं जवान बेटे दा जनाजा उठाण दा मौका ना मिले, बुढ़ा बाप जनाजे दे पिछे पिछे जा रहा लाठी टेकदा जा रहा, नाले अखां चो आंसू ने ते नाले रोंदा पिया, नाल आंदा बेटा पुत्तर वारियां ते मेरियां सन सोनिया टुर तू चलिया है, इस बुढ़े बाप नूं कौन दसे कौन दसे, बाबा वारियां असां तुसां मुकर्रर नहीं कीतियां, ये ते अर्श वाले रब ने मुकर्रर फरमाईया ने, बाप बैठा बेटे नूं कबर दे अंदर उतार आ गया, हाय बाप बुढ़ा चीख मार के उठ दे आंदे यार परा होवो ना मेनू पुत्र दी कबर ते दो बुक मिट्टी दे ही पा लैन दियो, परा होवो ना मेनू बेटे दी कबर ते दो बुक मिट्टी पा लैन दियो, मुहब्बतां दे अंदाज बदल गए ने, मुहब्बतां दे
तरीका कार बदल गया ने और तुसी दूर ना जाओ मेरे ते तुहाडे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंज लख्त जिगर नूं अपने हाथां ते उठाया। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गोद अंदर उठाया जनाबे इब्राहिम मेरे आका अलैहिस्सलाम दी गोदी अंदर ने ते सावां औखियां औखियां लैंदे ने पै उखड़ियां उखड़ियां सावां इब्राहिम दिया। मेरे आका अलैहि सलाम ने वेखिया ना बाप सी ना ते नाले मैं कहांगा ए ते उस बाप नू पुछो ना जिस बाप दा इक्को ही बेटा होवे। लोगां दे ने बुढ़ापे दा सहारा बन जाएगा बुढ़ापे दी लाठी बन जाएगा बाप दा आसरा बन जाएगा बाप दा खिदमत गुजार बन जाएगा। उस बाप नू पुछो जिहदा इक्को ही बेटा होवे ते ओ भी दुनिया तो चला जाए ओना मापियां दे कलेजियां ते आरियां चल जांदियां ने। उस बाप नू पुछो उस बाप दे दिल दी कैफियत की हुंदी है। मेरे आका दियां अखां चो आंसू जै डुल पिया ने हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औ रजी अल्लाह तआला अनहु एन मेरे आका अलैहि सलाम दे कंधे अनवर ते हथ रखदे ने अर्ज करदे ने सोनियो ए हसदे मुस्कुराते चेहरे ते अज किवें आंसुआं दियां झड़ियां नजर आ रहियां ने की माना बनेगा। महबूब तुसी रोंदियां नूं दलासे देन वाले तुसी रोंदियां नूं तसल्लियां देन वाले तुसी रोंदियां नूं तशफियां देन वाले तुसी रोंदियां नूं हौसले देन वाले महबूब खरीयत है ना क्यों रोई जा रहे हो। आप फरमाते ने अब्दुल रहमान आखर मेरे दिल दा सुकून इब्राहिम अब्दुल रहमान ए बेसबरी दे आंसू नहीं ए आंसू ते अल्लाह दी रहमत दे आंसू ने दिल दी नरमी वाले आंसू ने। कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दा अपना लख्त जिगर अपना नूरे नजर कफन पहना दिता गया एंजा आखरी मरतबा मेरे महबूब ने इब्राहिम दे चेहरे तो कफन दियां चादरां पिछे हटाईयां आंदे हो ना लो जी आखरी दीदार कर लो जनाजा रख दिता गया आखरी दीदार कर लो। लोग बच्चियां नू बुला के आंदे ने अब्बू नू आखरी दफा वेख लो अब्बू दा चेहरा अखां अंदर समा लो अपनी अम्मी दा आखरी दीदार कर लो। मां जम्मे भरावां नू भरा लैके आंदे ने यार अज मां जम्मे वीर दा आखरी दीदार कर लो। हुण जिंदगी अंदर ए शकलां ए सूरतां दोबारा वेखनियां नसीब नहीं होनियां। मेरे आका अलैहि सलातु वस्सलाम इंज आखरी मरतबा इब्राहिम दे चेहरे तो कफन दियां चादरां पिछे हटाईयां। मेरे भाई मेरे बरादर जरा अंदाजा फरमाओ ना ओ हस्ती है जिदे जैसा कायनात अंदर अल्लाह ने साबर कोई नहीं बनाया ओ हस्ती है जिदे जैसा मेरे रब ने शाकर कोई नहीं पैदा फरमाया। पर औलादां दे सदमे जान वालियां दे दुख जेड़े ने ओ बंदे नूं मुतासर जरूर करिया करदे ने। आखरी मर्तबा मेरे महबूब ने कफन दियां चादरां पिछे हटाईयां ते नबी पाक दियां अखां बरस पईयां। आप फरमांदे ने इब्राहिम तेरे अब्बू दियां अखां रो रहियां ने दिल मेरा गमजदा पर इब्राहिम बेटे मैं जबान तो गल ओई कहांगा जिदे नाल मेरा रब राजी हो जाएगा। बेफिराक कया इब्राहिम इब्राहिम बेटे तेरिया जुदाइयां दा तेरे अब्बू नूं गम है दिल परेशान अखां रो रही ने
पर मैं अपने मालिक दी रजा ते राजी हां, मैं मालिक दी रजा ते साबर ते शाकर रहन वाला। यानी जिंदगी दे अंदर इंसान गम भी उठांदा, सदमे उठांदा, दुख उठांदा, अपने प्यारियां दी जुदाई दे सदमे बर्दाश्त करदा। क्यों? जिंदगी एक वेला होना मुक्की जानी है। और मौला ने बड़ी प्यारी इत्थे तर्जुमानी कीती, फरमांदे ने जदों चाबी उमर दी मुक जानी, घड़ी चल दी चल दी रुक जानी, तेरे कम सारे विच रह जाने, तेरे कम सारे विच रह जाने, तेरे कोट उम्मीदां दे टह जाने। नबजा रहन हकीमा हाथ फड़िया, नबजा रहन हकीमा हाथ फड़िया, गोली मौत दी सीने विच ठुक जानी। आसुंजे महल ते माड़ियां बड़े चा नाल कोठी बनाए, आला किस्म दा संगे मरमर लगवाया, आला किस्म दियां टैलां लगवाईया ने। मैं इंज दे लोगां नूं भी जानना वा, इधरों कोठी मुकम्मल होई, उधरों सावां पूरियां हो गईयां ने। एक दिन भी उस घर दे अंदर रहना नसीब नहीं होया। सुंजे महल ते माड़ियां छड़ने नी, झंडे विच उजाड़ा जा गड़ने नी, दुध मखनी पलियो पलवाना, दुध मखनी पलियो पलवाना, तक मलकानू जिब सुख जानी। चाचे ताए ते मां प्यो रोवन पे, सौरे साल भी बोधियां खोवन पे, भाई आखना अज साडी बां भज गई, कमर बुढ़े बा आप दी चुक जानी। ते बंदे आ जेड़ी बीवी तेरे सिर ते कलोल करे, जावे सदके ते मिठे मिठे बोल करे, आज लाश नू वेख के, आज लाश नू वेख के डरन लगी, अखां टडियां विराश विंगे सुख जानी। जेड़ी मल मल मखमल वल थुकदी, जेड़ी मल मल मखमल वल थुकदी, सोने चांदी नू लाके परां सुट दी। अज लीरा हाल, अज लीरा हाल फकीरां दे, रोंदी दियां अखां चों हिंज सुक जानी। जदों चाबी उमर दी मुक जानी, घड़ी चल दी चल दी रुक जानी। ते जेड़े बच्चियां नू लाड करदारियों, जेड़े बच्चियां नू लाड कराउंदारियों, सोने कपड़े लै पवांदारियों, अज बाजारां विच ओ रोंदे नी, अज बाजारां विच ओ रोंदे नी, दही सुक जानी आस मुक जानी। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि जिदे कोलों अज तक कोई बशर बच नहीं सकिया। अमीरे ते तांवे, फकीरे ते तांवे, आले ते तांवे, अदने ते तांवे, हाकमे ते तांवे, महकूमे ते तांवे, जेड़ा भी इस दुनिया ते आया, एक वक्त आया कि अपने अल्लाह
دے ہاں واپس پہنچے ہیں اور قرآن دا فیصلہ رحمان دا فیصلہ بھی اے ہوئی ہے اللہ ذوالجلال فرما دے نے کل نفس ذائقت الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور دنیا اے تے دھوکھا ہی دھوکھا ہے دنیا دھوکھے دا سامان ہے اج تک دنیا کسے نال وفا نہیں کیتی کیتی بھی نہیں تے دنیا کسے نال اگوں وفا کرنی بھی تے جیڑی شے ایڈی بے وفا ہے جیڑی چیز اتنی بے وفا ہے او دے نال دل لگا کے بہنا عقل مند بندے دا کام نہیں سیانے تے دھنا آدمی دا کام نہیں آئیے اس موت نو ہر حال اندر یاد رکھیے اور اے یاد رکھیے کہ اساں بالآخر تھوڑی زندگی ملے یا زیادہ زندگی ملے اساں بالآخر اس دنیا نو چھڈنا اور احکم الحاکمین دے دربار اندر پیش ہونا اور اتھے جا کے پھر زندگی دے سادہ سانو حساب و کتاب دینا پہنا ہے میرے بھائیو میرے برادر جدو اے بات یقینی ہے اور 100% تو بڑھ کے یقینی ہے کہ جیڑا آیا انہیں جانا ہی جانا ہے تو پھر عقل مند بندے دانا بندے سیانے بندے اپنے مستقبل دا خیال رکھ دینے مستقبل دی حفاظت کر دینے اور عقل مند بندہ سیانا بندہ اپنے جان تو پہلا اپنے ذات راہ دا انتظام کر بندہ دنیا تے آؤں دا نا تے رو رہے ہیں پہنا پرا برادری رشتے دار سب ہس رہنے مسکرا رہنے جلیبیاں ونڈن رہنے روٹیاں پکا رہنے حقیقے ہو رہنے ادھر رون دی کسے نو پرواہ نہیں 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال گزارن دے بعد ہن دنیا تو واپسی دا عرش والے نے پیغام بھیجیا عقل مند بندہ تے اووے اللہ والا اووے آیا تے روندا آیا 70-80 سالاں بعد واپس چلیا تے جدوں آیا سی اے روندا سی تے سارے ہسدے سن پے خوش ہو رہے سن تے اج چاہیدا اے وے کہ اے دنیا تو جا رہے ہے ہن اے ہسدا ہوئے تے گھر والے روندے ہون تے جے خدا نہ خواستا خدا نہ خواستا اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے آیا بھی روندہ تے گیا بھی روندہ تے پھر سمجھ لے تیرے جمن دا فائدہ کوئی نہیں آخرت بھی بنائیے اپنی دنیا بھی بنائیے اور کدو بنے گی جدو اللہ رسول دے احکامات دے مطابق زندگی بسر کرن دی کوشش کرانگے اللہ کو لو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک